हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट में। दोस्तों, आज वीडियो में हम टेक्नोलॉजी के बिग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आज सभी ने मिस्टर बॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेक दुनिया की मिस्टेक नंबर वन। दोस्तों, बात 1973 की है, जब जीरोक्स नाम की कंपनी के साइंटिस्टों ने और वहां के रिसर्चरों ने मिलके एक मॉडर्न कंप्यूटर तैयार किया था, जिसके अंदर आपको स्क्रीन देखने को मिलता था, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव, रैम, मदरबोर्ड, यानी कि ये अपने ज़माने का एक पावरफुल कंप्यूटर था जिसमें आपको हर चीज़ देखने को मिलती थी जो आज की डेट में आपको कंप्यूटर्स में देखने को मिलती है, सिवाय ग्राफिक कार्ड के, जो कि इन्होंने बनाया था पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर में। लेकिन कंपनी के कॉरपोरेट बिग विंस को ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका कहना था जब ये मशीन फोटोकॉपी से रिलेटेड ये मशीन ही नहीं है तो हम लोग इस मशीन का क्या करेंगे। उन्होंने इतना बोलने के बाद इस प्रोजेक्ट को यहीं का यहीं कैंसिल कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर ने इस प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया हर किसी के लिए और बोल दिया कि अगर कोई भी कंप्यूटर में कुछ सीखना चाहता है तो इस कंप्यूटर में आके सीख सकता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम बीतता चला गया और लोगों ने इस कंप्यूटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 1979 में दो लड़के आए, उन्होंने इस कंप्यूटर पे दिन रात मेहनत करी और उन्हें बहुत कुछ सीखा इस कंप्यूटर से। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि इन दोनों लड़कों ने इस कंप्यूटर से सीखने के बाद अपने खुद के दो अलग अलग कंप्यूटर्स बना डाले। इन लड़कों का नाम है बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स। आज बिल गेट्स के पास माइक्रोसॉफ्ट है और स्टीव जॉब्स के पास एप्पल, और ये दोनों ही टेक्नोलॉजी जगत के बादशाह कहलाते हैं। जब जीरोक्स नाम की कंपनी को इस बात का पता चला, जब तक जो है बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी जगत में पूरी दुनिया में अपना कब्जा कर लिया था। टेक दुनिया की मिस्टेक नंबर टू। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि गूगल से पहले याहू जो है सबसे अच्छा सर्च इंजन था। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं, 1998 में गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने याहू को एक ऑफर दिया था। उन्होंने याहू को कहा था कि हम दोनों ने मिलके एक सर्च इंजन बनाया है जिसका नाम है गूगल, और हम इस सर्च इंजन को आपको बेचना चाहते हैं, वो भी $10 मिलियन में। लेकिन दोस्तों, याहू ने उस टाइम पे इस ऑफर को लात मार दी और कहा कि हमारा इंजन तुमसे ज्यादा बेहतर है। यह किस्सा यहाँ कहाँ खत्म होने वाला था, टेक्नोलॉजी जगत का किस्सा है, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा। गूगल के फाउंडर्स ने फिर सन 2002 में दोबारा से याहू को टारगेट किया और फिर दोबारा ऑफर दिया कि हम अपना सर्च इंजन आपको सिर्फ $5 मिलियन में बेचेंगे, यानी पिछली बार से सीधा हाफ प्राइस में। लेकिन दोस्तों, याहू की बुद्धि मारी गई थी और याहू ने फिर से वही जवाब दिया कि हमारा सर्च इंजन तुम्हारे सर्च इंजन से लाखों गुना ज्यादा बेहतर है, इसलिए हमें तुम्हारे सर्च इंजन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बेचारे की बुद्धि खराब थी। बोलते हैं ना, जो होता है बिल्कुल सही होता है। और उसके बाद सन 2002 के बाद 2019 तक आज की डेट में गूगल कहाँ पे है और याहू कहाँ पे है, इतना आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और गूगल जो है 300 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है आज की डेट में याहू से। और हैरानी की बात तो ये है कि इसके बाद जो है याहू खुद ही बिक चुका है वरिजोन को सिर्फ $5 बिलियन में। टेक मिस्टेक नंबर थ्री। मार्वल्स को तो आज की डेट में हम सभी जानते हैं और इसके कॉमिक्स, इसके मूवीज के तो हम सभी बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी ये बात जानते हैं, ये कंपनी यहाँ से 20 साल पहले बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। इस कंपनी पे इतना कर्जा था कि इस कंपनी ने अपना सब कुछ बेच के उस कर्जे को उतार दिया था। लेकिन दोस्तों, लास्ट में इस कंपनी के पास एक पैसा भी नहीं बचा था। इसके बाद सोनी कंपनी ने मार्वल कंपनी को अप्रोच किया और कहा कि हमें आपका एक करेक्टर चाहिए जिसका नाम है स्पाइडरमैन, जिसकी वो कीमत देने को तैयार थे $10 मिलियन। लेकिन दोस्तों, मार्वल ने उनको ऑफर दिया कि आप हमारे सारे करेक्टर्स खरीद लीजिए सिर्फ $25 मिलियन में। तो दोस्तों, उस टाइम सोनी ने मना कर दिया, और जिसमें ये करेक्टर शामिल थे कैप्टन अमेरिका, थॉर, आयरन मैन और वंडर वुमन जैसे करेक्टर जो है शामिल थे, जो कि सोनी ने उस टाइम बहुत बड़ी गलती कर दी। और आज की डेट में आप सभी जानते हैं इन सभी कैरेक्टर्स की कितनी बड़ी कीमत है, जो कि उस टाइम सोनी ने इतनी बड़ी गलती कर दी इन कैरेक्टर्स को ना लेके। तो देखा दोस्तों आपने, किस्मत किस तरीके से पलटती है।
और आज की डेट में ये सारी कंपनियां कहां पे है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करना। अगर आप सभी मिस्टर बॉट चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।